Assalamu alaikum students, I'm Samra Batool and it is BS Zoology second semester class, and the course title is Algebra and Trigonometry, and these are the recommended books. It's the third lecture of Algebra and Trigonometry, and today's lecture's topic is complex numbers. नंबर सिस्टम लास्ट जो आपके लेक्चर्स थे वो रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे. रियल नंबर सिस्टम नंबर्स रियल नंबर सिस्टम में वो सारे नंबर्स शामिल हैं जो हम एक रियल लाइन पे शो कर सकते हैं. ठीक है, तो रियल नंबर किसके इक्वल आए? रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स की आगे फिर सब डिवीजन्स हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर. ये जो आप लोगों के लास्ट लेक्चर था उसमें सारा डिस्कस किया था, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनमें इनके अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस. रियल नंबर्स के अलावा भी नंबर्स होते हैं और उन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो आज का आपका लेक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आयोटा इज़ एन इमेजिनरी नंबर. इन दिस एक्सप्रेशन ए इज़ द रियल पार्ट एंड बी इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब ऐसे तमाम नंबर्स जो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, जिसमें से ए और बी जो हैं ये रियल नंबर्स हैं. ये वही नंबर्स हैं जिनसे आप लोग फेमिलियर हैं, टू थ्री, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री एंड सो ऑन. ए और बी इस फॉर्म में होते हैं और आयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर है, और ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है. A complex number has a real part and an imaginary part, but either part can be zero, right? मतलब कोई भी इनमें से a और b ज़ीरो हो सकता है. a और b कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर में ज़ीरो भी आता है, तो a भी ज़ीरो हो सकता है और b भी ज़ीरो हो सकता है. So all real numbers and imaginary numbers are also complex numbers. ठीक है, यानी इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? मतलब जैसे जिसमें सिर्फ टू आयोटा, थ्री आयोटा, अंडर टू आयोटा, दीज आर द इमेजिनरी नंबर्स, राइट? आयोटा इज ऑल्सो इमेजिनरी नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? ज़ीरो प्लस थ्री प्लस टू आयोटा, तो फाइव इज़ अ रियल नंबर, बट फाइव कैन बी रिटन एज फाइव प्लस ज़ीरो आयोटा, तो फाइव इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू. तो यानी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं विद द इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की. थ्री प्लस टू आयोटा, इसमें रियल पार्ट क्या है? थ्री. इमेजिनरी पार्ट क्या है? टू. फाइव इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें रियल पार्ट है फाइव, इमेजिनरी पार्ट है ज़ीरो. माइनस सिक्स आयोटा इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ विद रियल पार्ट ज़ीरो एंड इमेजनरी पार्ट सिक्स. अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ रियल एंड इमेजनरी पार्ट. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा. कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजली हम z से रिप्रेजेंट करते हैं. z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, वी आर a एंड b आर रियल नंबर्स, और z इसका a प्लस आयोटा b का नाम है. Then what is iota? Iota is equal to minus 1 under root. Complex, जब इंसान real numbers को ही सिर्फ जानता था तो real numbers उसके problems solve होते जा रहे थे. Suddenly उसके सामने एक equation आई, x square plus 1 is equal to 0. यानी एक ऐसा number जिसका square minus 1 आता हो. तो उसका सलूशन इंसान के पास नहीं था.
उसे नहीं पता था कि ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो आंसर -1 आ जाए, या जब उन्हें उन्हें ज़रूरत पेश आई -6 नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट लेने की, तो हम लोग मतलब उस ज़माने में उन लोगों को मुश्किल हुई मैथमेटिशियंस को कि कैसे नेगेटिव नंबर्स का आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, मतलब जैसे -4 का स्क्वायर रूट लेना है, अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आता है, -4 का कैसे लें। तो उन्होंने क्या किया कि -1 का स्क्वायर रूट जो है उसको आयोटा का नाम दे दिया, ताकि हम नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट ले सकें जैसे कि हम पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ इक्वल टू आयोटा, ये उन्होंने नाम दे दिया। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। और जब ये आयोटा बना तो फिर पता चला कि ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे इर्द गिर्द, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे रिसर्च शुरू हुई और फिर उसके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके अरिथमेटिक ऑपरेशंस डिफाइन हुए और फिर ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड ए एंड बी आर द रियल नंबर्स, राइट? वाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इंट्रोड्यूस्ड? इक्वेशंस लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डू नॉट हैव अ सोल्यूशन विद इन द रियल नंबर्स, सो दैट इज़ वाई द मैथमेटिशियन गिव आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है? यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उन्होंने आयोटा का नाम दे दिया। द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डिनोटेड बाय जी इज गिवन बाय जी। कॉन्जुगेट जो है जी के ऊपर डैश डाल के भी रिप्रेजेंट किया जाता है उसे, इस तरह डायरेक्ट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यूजुअली जो है हम जी के ऊपर डैश डालते हैं, ठीक है? जी बार, जी बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है कॉन्जुगेट का मतलब कि उसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए। द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ डिफाइंड बाय, मतलब जी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होती है? दिस इज़ इक्वल टू जी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉडुलस वैल्यू को जी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और जो मॉडुलस वैल्यू है उसको ऐसे सिंपल तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या मॉडुलस वैल्यू को साइड पे दो लाइनें लगा के जैसे मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजनरी पार्ट्स आर इक्वल। इफ ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा देन ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। एडिशन, अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन चार हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो एडिशन है यहाँ पर गिवन, और एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको एक्सप्लेन किया गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने का तरीका क्या है? रियल पार्ट्स जो हैं वो अलग ऐड होते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग से ऐड होते हैं, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। यानी रियल पार्ट ऐड होकर रियल पार्ट बना देते हैं रिजल्टिंग का, और इमेजिनरी पार्ट्स ऐड होकर इमेजिनरी पार्ट बना देते हैं रिजल्ट का। तो एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया, 2 + 3 आयोटा प्लस 1 + 5 आयोटा, 2 + 1 आ गया विच इज़ इक्वल टू 3 एंड 3 + 5 विच इज़ इक्वल टू 8, तो आपका आंसर आ गया 3 + 8 आयोटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? सब्ट्रैक्शन भी एडिशन से मिलती जुलती है, रियल पार्ट्स को अलग से सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग से। एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया गया है, 2 + 3 आयोटा -1 + 5 आयोटा, तो रियल पार्ट्स आपके पास आ गए 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया 3 - 5 विच इज़ इक्वल टू -2।
तो आप इसमें माइनस करते हो, बस माइनस के साइन का ध्यान रखिएगा कि वो अगर ब्रैकेट से बाहर आता है या अंदर आता है, तो ध्यान से उसके साइन चेंज कीजिएगा। नंबर का नेगेटिव साइन मत चेंज कर दीजिएगा, ठीक है? वैसे ये आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसकी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप रूल, एज अ रूल इसको याद कर लें, या आप सिंपल जैसे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करें और आयोटा वाले पार्ट को कॉमन ले लें, आयोटा वाले टू पार्ट्स को कॉमन ले लें, तो भी आपका सेम आंसर आता है। या आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एज अ फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, या आप जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करके आयोटा वाले पोर्शन को कॉमन लेके लिखना चाहते हैं। दोनों सूरतों में आपका आंसर भी ठीक है, आपका मेथड भी ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला याद करें, तो फॉर्मूला याद करने के लिए आपको मेथड बता देती हूँ। ए सी मतलब रियल ने रियल से मल्टीप्लाई होना, इमेजनरी पार्ट ने इमेजनरी से। ए सी माइनस बी डी आना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ए सी माइनस बी डी जो इमेजनरी पार्ट की प्रोडक्ट है वो माइनस के साथ आएगी। और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब रियल ने इमेजनरी से और इमेजनरी ने रियल से, तो ए डी प्लस बी सी। और ऑर्डर से इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी सी प्लस ए डी लिख दें या ए डी प्लस बी सी लिख दें, लेकिन यहाँ पर हाँ मेक श्योर कि जब आप रियल पार्ट्स को की प्रोडक्ट पहले लिखनी है, माइनस इमेजनरी पार्ट की प्रोडक्ट बाद में। तो आप एज अ फॉर्मूला इसको याद कर लें, या आप ब्रैकेट्स ओपन करके वैसे सिंपली इसको कर लें। एग्जाम्पल है, अगेन वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने लिए और इनकी प्रोडक्ट ले ली, तो इसने बाय यूजिंग द फॉर्मूला सॉल्व किया है। तो 2 माइनस 15 प्लस 10 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -13 प्लस 13 आयोटा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस बी आयोटा ओवर सी प्लस डी आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन कैसे की जाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन करने का तरीका ये है कि आपने रैशनलाइज कर देना है इसको। इसमें डिवीजन और किसी तरीके से नहीं हो सकती। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, या आपने डिवाइड करना होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, अगर रियल हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स से करना है तो फिर आपके पास फिर आपको यही वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। यानी सी प्लस डी आयोटा को आपने लिख लेना है, ए प्लस बी आयोटा ओवर सी प्लस डी आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है सी माइनस डी आयोटा ओवर सी माइनस डी आयोटा से। सी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की कटिंग हो जाती है, वन आंसर आ जाता है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसने ए प्लस बी आयोटा और सी माइनस डी आयोटा को मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला नहीं यूज़ किया, बल्कि सिंपल सिंपली ब्रैकेट्स ओपन की हैं, ठीक है? सिंपली ब्रैकेट्स ओपन की हैं, जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपसे कहा कि आप फॉर्मूला यूज़ करके भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप ब्रैकेट्स सिंपली जैसे रियल नंबर्स में हम ब्रैकेट्स खोलते हैं वैसे आप खोलें और रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लें, तो भी आपका जो है आंसर सही आएगा। अब ए सी माइनस ए डी आयोटा, फिर बी आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल था? -1 के। तो ये -1 और जो इसके बाहर वाला -1 है मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो आपके पास ये वाला पार्ट रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है? इसमें आयोटा ख़त्म हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी, और आयोटा आपने कॉमन ले लिया, क्लियर? अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में क्या है? सी प्लस डी आयोटा, सी माइनस डी आयोटा। आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा, या अगर आपको याद है फॉर्मूला एक था ए प्लस बी
और ए माइनस बी की प्रोडक्ट होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस डी आयोटा का स्क्वायर, डी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर माइनस वन हो जाता है और वो दरमियान वाले माइनस वन को चेंज करके प्लस कर देगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास आ गया ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको आपने यहाँ पर ख़त्म नहीं करना, बल्कि एक स्टेप और कर लें ताकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, और साथ एक और फ्रैक्शन बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर आता है वो एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आए। और प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखा हो, ये बेटर होता है। जैसे जब हम छोटी क्लासेस में फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो ये कहा जाता था कि आपका आंसर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ इसके मार्क्स नहीं डिडक्ट करते, लेकिन कुछ एग्जामिनर्स जो हैं इसको नहीं पसंद करते और वो मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे ही है कि आपने इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। और प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या है, ए प्लस बी आयोटा, जिसमें ए और बी रियल नंबर्स हों। ये ना हो कि आयोटा भी बीच में ही है और रियल नंबर्स भी बीच में ही हैं, तो उससे ज़रा बुरा तासुर आता है। और राइट वे भी यही है कि आप इसको अलग अलग करके लिखें, राइट। एग्जाम्पल से डिवीजन को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, 6 माइनस 7 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा। मेथड वही है जो आपको अभी समझाया, यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा था, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा, और 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगेन ब्रैकेट्स खोली और आपके पास आ गया 6 प्लस 12 आयोटा -7 आयोटा -14 आयोटा का स्क्वायर। अब ये जो आयोटा का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, -1, और ये -1 जो है दरमियान वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 14, और +12 और -7 एल्जेब्राइक नंबर्स आपको याद है, 12 माइनस 7 का आंसर 5, 5 आयोटा। तो अब आपके पास आ गया 20 प्लस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर्स में देखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब आपने इसको ना याद कर लेना है, ठीक है, कि 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी आयोटा और ए प्लस बी आयोटा का आंसर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये या आपने अब याद रखना है, जब आपने रियल नंबर्स पढ़े उसमें ऐसा नहीं था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आता था, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप याद रखें ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए, बजाय इसके कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो 1 प्लस 4 आ गया आपके पास, जब ऐड किया तो आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब जो एक्सप्लेनेशन थी पीछे उसमें तो यहाँ तक ही छोड़ दिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना, आपने इसको अलग प्रॉपर वे में लिखना है। तो आपने क्या किया, 20 ओवर 5 प्लस 5 आयोटा ओवर 5 लिख लिया, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर ये 20 प्लस 5 आयोटा ओवर 5, तो एलसीएम का रूल है कि इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। मोस्टली जो बेसिक साइंसेस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका मैथ्स ऐसा माना जाता है कि इतना अच्छा नहीं होता, मेरा वैसे ऐसा कोई मेरी राय नहीं है ऐसी, आप लोगों का मैथ्स भी बहुत अच्छा होता है। मैथ्स अच्छा होना मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इन स्टूडेंट्स का नहीं अच्छा या उन स्टूडेंट्स का अच्छा ही अच्छा, मैथ्स किसी का भी बहुत अच्छा हो सकता है और किसी का भी नहीं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो मैथ्स उसे बहुत ज़्यादा आता भी होगा, और इस तरह से मैथ्स आता है प्रैक्टिस से।
कोई स्टूडेंट अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है मैथ्स की उतना ज़्यादा उसको मैथ्स आता है, ठीक है। हाँ, गॉड गिफ्टेड भी होता है, इंटेलिजेंस जैसे गॉड गिफ्टेड है, इस तरह मैथ्स में इंटरेस्ट हो और आपको जल्दी समझ आ जाती हो, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है। लेकिन प्रैक्टिस से, लेकिन अगर ऐसा है भी आपके पास ऐसी कोई गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है और फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता। प्रैक्टिस से ही मैथ्स अच्छा होता है। बेसिक साइंसेस के स्टूडेंट्स के बारे में हम इसलिए ऐसा कह देते हैं कि उन्हें मैथ्स नहीं आता, क्योंकि अगर मैथ्स में इंटरेस्ट हो तो जाहिर बात है वो उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं ना स्टूडेंट्स। और जिन्हें साइंसेस में जैसे बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स वालों का तो मैथ अच्छा था, बायो और केमिस्ट्री वालों अगर वो इस फील्ड में जाते हैं तो फिर वो जाहिर बात है उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती ना मैथ्स की, तो उनका मैथ्स एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि फिज़िक्स वाले भी मैथ्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंसेस वाले भी मैथ्स पढ़ते हैं, और बाकी सारी बीबीए अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनका भी आपकी निस्बत ज़्यादा मैथ्स के कोर्सेज होते हैं। आपके तो भी आएंगे, हर सेमेस्टर में मैथ्स आएगा, स्टैट्स आएगी, स्टैट्स भी मैथ्स ही की एक ब्रांच है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, होपफुली आपको समझ आ जाती होगी। तो ये एलसीएम का रूल है, और अक्सर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर 5 ऊपर हो और 20+5 आयोटा नीचे हो तो उनको भी अलग अलग करके लिख देते, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये एलसीएम का रूल है कि ऐसे न्यूमरेटर और नीचे एक डिनोमिनेटर हो तो वो अलग अलग करके सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिर्फ इसी सूरत में, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 20/5+5i/5, और इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया 4+i। अब ये सही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसमें 4 और 1 रियल पार्ट, इसका 4 इसका रियल पार्ट है, 1 इसका इमेजिनरी पार्ट है, और आयोटा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म की वजह से लिखा हुआ बता रहा है आपको, क्लियर। अब ये दो एग्जांपल्स हैं, अभी आपने जो डिवीजन पढ़ी उसी से रिलेटेड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a+iB वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी उसने डिमांड किया है कि आपने जो अपना आंसर है वो a+iB की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ए अलग हो और आयोटा वाला पोर्शन अलग हो, तो अगर आप इस क्वेश्चन में इकट्ठा आंसर छोड़ देते हैं तो वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने अलग अलग आंसर करके लिखा 4+iB, तो इस क्वेश्चन में भी आपको अलग आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए, वो जो बात मैं आपको समझा रही थी कि 1/9+2i, तो ये एक फ्रीक्वेंट मिस्टेक है, ये बताने का ये मकसद नहीं कि आपने भी करनी शुरू कर देनी है, लेकिन ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आती क्यों ये अक्सर बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे ना 1/9+1/2i लिख देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैथ्स में ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से अलग नहीं हो सकता, अगर आपको इस तरह से आ गया है तो आपने इसको सॉल्व करना है उसी मेथड से जिसमें जो आपको डिवीजन का सिखाया गया, और वो क्या है कि रैशनलाइज कर दें आप। 9+2i है, आप इसे 9-2i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, फिर ब्रैकेट्स ओपन करें, ऊपर तो 1 ही है इसलिए 9-2i ही आ जाएगा, और नीचे आपने फॉर्मूला याद कर लिया है, क्या फॉर्मूला याद किया आपने जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है यहाँ पे। अच्छा, अब आपने ना एक आप लोगों से और शेयर करती हूँ, अभी आपने पहले पढ़े रियल नंबर्स, ठीक है, वहाँ तो मेरा ख्याल है a-b a+b वो नहीं यूज़ किया हमने ना। अब आपने पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट आपका जाना है चैप्टर इक्वेशंस वाला, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी, यानी मतलब लीनियर इक्वेशंस भी आपने पढ़नी है, क्वाड्रेटिक भी। वहाँ पर आपने जो है a-b into a+b को a²-b² कहना है, तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें a+b i into a-b i किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन वैसे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक सिर्फ ये इन दो लेक्चर्स तक आपने इस चीज़ को याद रखना है, और फिर उसके बाद सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हुए इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 81+4
और इसको ऐड कर दिया आपने, और आपने फिर इसको अलग अलग करके लिख लिया 9/85 -2/85 आयोटा। इसको अब अलग अलग करके लिखा जा सकता है, ठीक है। 9 -2 आयोटा के नीचे 85 है, उसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। एलसीएम का रूल है, फ्रैक्शंस का रूल है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 -iota/3 -5 iota। अगेन इसको सॉल्व करने का वही मेथड है, आपने रैशनलाइज कर देना है। 3 -5 iota है तो 3+5 iota से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे दरमियान में माइनस था तो हमने उसको प्लस में चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बस फ़र्क सिर्फ ये आपने चेंज क्या करना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। यहाँ कॉन्जुगेट भी आपने पढ़ा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कॉन्जुगेट भी मैंने अब रिवाइज करवा दिया। कॉन्जुगेट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना, रियल पार्ट को नहीं छेड़ते उसमें। तो यहाँ भी आपने जो है इसकी डिवीजन परफॉर्म करते हुए, रियल पार्ट में चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है। अब आपने सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, वैसे आपने ब्रैकेट्स ओपन की ऊपर और नीचे वही फॉर्मूला यूज़ किया, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया? 9+25, और ऊपर ब्रैकेट्स ओपन की, विच इज़ इक्वल टू 21+35 iota -3 iota -5 iota का स्क्वायर, जो कि 5 हो जाएगा फिर आयोटा स्क्वायर ख़त्म करके, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 21+5 विच इज़ इक्वल टू 26, और 35 -3 विच इज़ इक्वल टू 32। तो 26+32 iota/34, और इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 26/34+32/34 iota। अब 26/34 फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 13/17, और नेक्स्ट भी इस फ्रैक्शन को भी 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 16/17। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर में आया वो है 13/17+16/17 iota। जी नेक्स्ट एग्जांपल है 3+11 iota/-1 -2 iota/-1+2 iota/-1+2 iota। ये एक्चुअली इसमें ही लिख दिया, एक्चुअली सिर्फ इतनी एग्जांपल, इसका क्वेश्चन सिर्फ यही था कि -3+11 iota/-1 -2 iota को सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई भी वर्ड आ जाता है आपको क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, तो आपने इसका यही आंसर, इसको डिवाइड करके, डिवाइड करने का वही प्रोसीजर है, रैशनलाइज करें, और आपने उसको रैशनलाइज करके आंसर निकाल देना है। और सेपरेटली चाहे वो कहे या ना कहे, आपने इसको सेपरेटली लिखना है, -5 -iota। अब इस क्वेश्चन में देखें, रियल पार्ट के साथ -1 है, उसको नहीं हमने छेड़ा, हमने सिर्फ इमेजिनरी के माइनस को चेंज किया है, इमेजिनरी के माइनस को +1 कर +2 iota + 2 iota किया है, ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए। मैंने कोशिश की है कि हर टाइप की एग्जांपल आपसे शेयर करूं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। बाकी और तो एक्सप्लेन करने की आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन की हैं और वही प्रोसीजर है एंड ऑल दैट थिंग्स। जी आपकी लास्ट स्लाइड जो है आज के लेक्चर की, और इम्पॉर्टेंट भी है, समझ भी लें इसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक दफ़ा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आयोटा इज इक्वल टू √-1 होता है, ये हमें पता है। देन इसकी पावर्स को कैसे डील करते हैं? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -iota, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू -iota, एंड आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू 1। ये तो आपको कुछ गिवन है, ये तो चलें आप
याद भी कर लेंगे या कुछ, इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आयोटा की ना हायर पावर्स भी आ जाती हैं, आयोटा की पावर्स आ जाती हैं आपको, जैसे 271 किसके इक्वल होता है, आयोटा 271। तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मेथड आपको गिवन है। आयोटा की पावर में जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर हो, छोटे नंबर्स को तो आप डील कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो, आपने क्या करना है, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने 7 है, 7 को 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 1 4, रिमाइंडर आया 3। तो यहाँ पर आयोटा 4 लिख दिया और साथ उसके लिख दिया आयोटा का क्यूब, जो रिमाइंडर बचता है, जो आयोटा की आएगी ना 4 की पावर्स में आ जाएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा। 1 जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा मकसद क्या है, रिमाइंडर को देखना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ना नीचे, उसको आपने बॉदर करना है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 1 2 3। अगर 0 आ गया तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, अगर रिमाइंडर आ गया 1 तो आपका आंसर क्या आएगा, आयोटा। अगर रिमाइंडर आ गया 2 तो आपका आंसर आएगा -1, और अगर रिमाइंडर आ गया 3 तो आपका आंसर आएगा -iota। क्लियर? तो इस मेथड की हेल्प से अब आप आयोटा की जितनी मर्जी बड़ी पावर्स आ जाएं, आप उन्हें डील कर सकते हैं। क्या करना है, आपने आयोटा को 4, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिख देना है। लेकिन उसके लिए आपको ये चारों आंसर्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक दफ़ा फिर इस स्लाइड को रिपीट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके जी, आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।